हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन द बायोजोम। मैं आपका एजुकेटर अभिषेक शर्मा फिर से आ गया हूँ। मैं अमीनो एसिड और उनके डिटेल्ड क्लासिफिकेशन को लेकर, जहाँ पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था नॉन पोलर एलिफेटिक अमीनो एसिड जैसे ग्लाइसिन, एलेनिन, वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, मिथियोनिन के बारे में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नॉन पोलर एरोमेटिक अमीनो एसिड के बारे में। ये अमीनो एसिड बाकी अमीनो एसिड से काफी इंटरेस्टिंग, मजेदार और बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें आपको एक अलग ही स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। यहाँ आपको हर इन द सेंस कि तीनों, जो फिनाइल एलिनिन, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन, तीनों एरोमेटिक अमीनो एसिड में आपको एरोमेटिक रिंग देखने को मिलेगी, इसीलिए इनको एरोमेटिक अमीनो एसिड कहा जाता है। नॉन पोलर क्यों कहते हैं ये तो आप समझ ही गए होंगे कि नॉन पोलर इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक होते हैं, या हाइड्रोफोबिक इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये नॉन पोलर होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम फिनाइल एलेनिन से। तो फिनाइल एलेनिन एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट होती है, बिल्कुल हाँ एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट होती है, इसीलिए हम इसको एरोमेटिक अमीनो एसिड कहते हैं। जो आर ग्रुप, जो फंक्शनल ग्रुप रहता है, वहां पर फिनाइल मिथाइल बेंजीन कह सकते हैं उसको, वो प्रेजेंट रहता है। मतलब मिथाइल बेंजीन प्रेजेंट रहता है आर ग्रुप की जगह, फंक्शनल ग्रुप की जगह, और इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, फिनाइल होता है। तो बिल्कुल ये सब अलग अलग तरीके के एलिमेंट जुड़े हुए हैं कार्बन से, तो ये हो गया काइरल अमीनो एसिड। अब ड्यू टू एरोमेटिक रिंग ये एब्जॉर्बेंस शो करते हैं, और इनका जो एब्जॉर्बेंस है वो एब्जॉर्बेंस को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, और उनका जो लैम्डा है वो 254 नैनोमीटर का है। मतलब 254 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब ये कर लेते हैं, या 254 नैनोमीटर का एब्जॉर्बेंस ये शो करते हैं। बात करते हैं अब टायरोसिन की, ठीक है। फिनाइलएलेनिन को PHE 3 लेटर कोड और F 1 लेटर कोड से भी डिनोट करते हैं। टायरोसिन की बात करते हैं तो टायरोसिन TYR 3 लेटर कोड, और Y जो है वो सिंगल लेटर कोड है इसका, सिंगल लेटर एब्रिवेशन है। इसको हम फिनोल एलेनिन भी कहते हैं। किसको? टायरोसिन को। जहां पर R ग्रुप है, R ग्रुप की जगह यहां पर फिनोल प्रेजेंट होता है, मतलब बेंजीन रिंग के साथ OH को हम क्या बोलते हैं, फिनोल। और इसी कारण इसका जो pKa वैल्यू होता है वो 10.46 होता है। जब हम टाइट्रेशन की बात करेंगे, या फिर हम टाइट्रेशन के आगे कुछ बात करेंगे, वहां पर हम pKa वैल्यू को भी विस्तार से जानेंगे। टायरोसिन की बात करें, हमने R ग्रुप की जगह फिनोल, मतलब जो फंक्शनल ग्रुप है यहां पर वो फिनोल प्रेजेंट है बेंजीन रिंग के साथ OH। R इज अ पोलर। देखो बात हो रही है नॉन पोलर एरोमेटिक अमीनो एसिड की, बट ये जरूरी नहीं है कि फिनाइल एलेनिन अगर पोलर नॉन पोलर है तो टायरोसिन ही भी नॉन पोलर होगा। नहीं, टायरोसिन पोलर इन नेचर है, एक एक्सेप्शन कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो मैंने बोला ना कि कितना इंटरेस्टिंग है, यहाँ पर आपको बहुत कुछ इंटरेस्ट आएगा ये पढ़ने में, बहुत कुछ महत्वपूर्ण चीजें देखने को मिलेगी, ठीक है। टायरोसिन इज अ पोलर कंपाउंड, क्यों? क्योंकि इसमें OH होता है, और OH हमेशा क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। तो R इज अ पोलर ड्यू टू OH एंड हाइड्रोफिलिक, क्योंकि देखो ना फंक्शनल ग्रुप पे OH जुड़ा हुआ है, और OH जहां पर जुड़ा रहता है वो हाइड्रोफिलिक इन नेचर होता है, मतलब ये कौन सा हुआ, पोलर हुआ। काइरल अमीनो एसिड है, और इसका जो एब्जॉर्बेंस है वो 274 नैनोमीटर है, मतलब फिनाइल एलेनिन से ज्यादा। किसका? टायरोसिन का। अब बात करते हैं ट्रिप्टोफैन, मतलब सबसे बड़े भाई की, ऐसे कह सकते हो कि फिनाइल एलेनिन सबसे छोटा भाई, फिर टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन में जो आर ग्रुप फंक्शनल ग्रुप होता है वो इंडोल ग्रुप का होता है, फंक्शनल ग्रुप इंडोल ग्रुप का होता है। अब यहाँ पर ओ भी जुड़ा हुआ है और ओ एच भी जुड़ा हुआ है, इसलिए ये पोलर एज वेल एज नॉन पोलर है, ठीक है। इसको यहाँ पर नॉन पोलर भी कह सकते हैं क्योंकि ओ जुड़ा हुआ है एक साइड पर और ओ एच जुड़ा हुआ है, तो मतलब कि पोलर। अभी हमने टायरोसिन में पढ़ा, तो यहाँ पर ये भी एक तरह से एक्सेप्शन है। आपको देखना होगा पाई पाई रिलोकलाइजेशन पे कि कहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, उसके बेसिस पर हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये पोलर है या नॉन पोलर है, ठीक है। तो क्वेश्चन जैसा है उस तरह से हम इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो अगर पोलर हुआ तो ये बिल्कुल हाइड्रोफिलिक हुआ, और अगर नॉन पोलर हुआ तो ये हाइड्रोफोबिक होगा। ये एक इंट्रेंसिक फ्लोरोसेंस, ये एक इंट्रेंसिक फ्लोरोसेंस शो करता है, कौन? ट्रिप्टोफैन, ठीक है। इसका एब्जॉर्बेंस मैक्सिमम होता है 280 नैनोमीटर, ठीक है। मैं NM लिखना भूल गया, माफ कीजिएगा।
तो इसका जो लैम्डा होता है, जो इसका एब्जॉर्बेंस होता है, वो 280 नैनोमीटर होता है सबसे ज़्यादा मैक्सिमम, और ये कायरल अमीनो एसिड है। तो हमने क्या पढ़ा, फिनाइलएलनिन, टायरोसिन और ट्रिप्टोफेन। फिनाइलएलनिन का एब्जॉर्प्शन 254, टायरोसिन का 274 और ट्रिप्टोफेन का 280 नैनोमीटर। ठीक है, आओ आगे आते हैं। अब एब्जॉर्बेंस की ही बात कर लेते हैं, क्योंकि हमने पूरे एरोमेटिक रिंग में हमने एब्जॉर्बेंस देखा। तो अब ड्यू टू साइड चेन इन एरोमेटिक कंपाउंड दे शो एब्जॉर्बेंस, बिल्कुल हमने बात करी थी कि जो एरोमेटिक रिंग है उसके कारण भी एब्जॉर्प्शन शो होता है। कंपैरिजन ऑफ लाइट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ एरोमेटिक अमीनो एसिड, और कितने पीएच पे, 6.0 पीएच पर हमने देखा कि एनर्जी जो एब्जॉर्ब हो रही है वो पाई पाई ई, मतलब इलेक्ट्रॉन लोकलाइजेशन के कारण हो रही है, या फिर पाई पाई क्लाउड बनने के कारण हो रहा है। एब्जॉर्बेंस किस लिए हो रहा है, पाई पाई ई लोकलाइजेशन के कारण, और कौन कर रहा है, एरोमेटिक रिंग जो कि प्रेजेंट है एरोमेटिक कंपाउंड ऑफ अमीनो एसिड, मतलब कि फिनाइलएलनिन, टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन पर। ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ काफी अच्छा है, समझ में आएगा आपको कि देखिए, मैं यहाँ से लेता हूँ पेन, मजा आएगा। देखो समझिए, यहाँ पर है, ये रहा 240 से मान लीजिए 250 के बीच में इसका पिक जा रहा है, ठीक है, इसका पिक यहाँ के आसपास आ रहा है, ये देखिए है ना, इसका पिक किसका पिक है, ये फिनाइल एलिनिन का है। टायरोसिन का देखिए पिक, टायरोसिन का थोड़ा सा 280 के आगे 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 आ रहा है, मतलब कि रेंज 264 के आसपास, मतलब कि 264 से 270 के आसपास की रेंज आ रही है। फिनाइलएलनिन की 250 से 260 के आसपास की रेंज आ रही है, और ट्रिप्टोफेन की देखिए सबसे ज्यादा ट्रिप्टोफेन की आ रही है 280, मतलब कि 274 से 280 के बीच में ट्रिप्टोफेन की रेंज रहती है एब्जॉर्बेंस की। आया समझ में, तो हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन शो करता है ट्रिप्टोफेन, फिर करता है टायरोसिन और फिर करता है फिनाइलएलनिन। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने फिर से एक बार देख लेते हैं, उसके बाद हम लेक्चर को समाप्त करते हैं, कि नॉन पोलर एरोमेटिक अमीनो एसिड के बारे में जाने, जिसमें फिनाइलएलनिन, टायरोसिन और ट्रिप्टोफेन का, और उनके एब्जॉर्बेंस देखें। सबसे ज्यादा एब्जॉर्बेंस ट्रिप्टोफेन शो करता है, फिर टायरोसिन और फिर फिनाइलएलनिन, मतलब वाइफ कह सकते हैं, WYF, वाइफ। ठीक है, तो ये हुआ नॉन पोलर एरोमेटिक अमीनो एसिड के बारे में, उसके साथ एक्सेप्शन भी बताए। ठीक है, आने वाले लेक्चर में हम पोलर अनचार्ज, चार्ज और नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, चार्ज में नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, इन तीनों की बात करेंगे। उसके बाद हम प्रोलिन की बात करेंगे, और उसके साथ साथ ही हम अनकॉमन अमीनो एसिड की बात करेंगे। तो आने वाले 2 से 3 लेक्चर में हम अमीनो एसिड के डिटेल्ड क्लासिफिकेशन को फिनिश कर देंगे। तो आई होप आपको लेक्चर काफ़ी पसंद आया हो और समझ में भी अच्छे से आया हो। तो बस हमारा तो यही रहता है कि आपको लेक्चर अच्छे से समझ में आए। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। धन्यवाद, जय हिंद।